अपनी मांगों पर जोर डाले जाने के उद्देश्य से बुधवार को युवा राजद की जिला इकाई के आह्वान पर समाहरणालय के समक्ष धरना दिया गया। रोजगार नहीं तो सरकार नहीं के मुद्दे पर आयोजित धरना में बड़ी संख्या में युवा राजद के समर्थक मौजूद थे। इस दौरान एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा 5 सूत्री मांगों से संबंधित ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में केंद्र सरकार पर रोजगार समाप्त करने, महंगाई पर रोक लगाने में असमर्थ रहने, नोटबंदी, GST तथा डिजिटल इंडिया से देश को तबाह करने आदि आरोप लगाए गए। इस मौके पर विधायक सुदय यादव, पूर्व विधायक डॉक्टर मुनिलाल यादव, डॉक्टर सज्जनानंद यादव, जिला प्रवक्ता डॉक्टर शशि रंजन, नवलेश कुमार, शैलेश कुमार यादव, मनोज यादव, धर्मेंद्र धर्मपाल यादव, अनिल कुशवाहा आदि लोग मौजूद थे। रोजगार नहीं तो सरकार नहीं, यही मुख्य विषय है। केंद्र सरकार जब आई थी, एक से एक नारा दे करके, लोक लुभावन बात कह करके और लोगों के भरमा करके और देश पर कब्जा कर लिया। युवाओं को लगा था यह नई सरकार जो है बनेगी तो लोगों को रोजगार देगा, किसानों को राहत मिलेगी, मजदूरों को पक्का मकान, घर, आवास मिलेगा। लेकिन सारे बिंदुओं पर केंद्र सरकार फेल है और उनके सहयोगी जो यहाँ पलटू राम जी, जो नीतीश कुमार जी हैं, इन्होंने कहा था कि जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार, शर्म करना चाहिए माननीय नीतीश कुमार के, कि नीतीश कुमार के चेहरे पर दर्जनों घोटाला हो गया है। लेकिन चूंकि इस देश में दो तरह के कानून काम कर रहा है, एक है कि जब गृह मंत्री, वित्त मंत्री लालू प्रसाद जी बिहार में थे, उस समय चारा घोटाला हुआ था, उसके लिए जिम्मेवार लालू प्रसाद जी को माना। आज जो घोटाला दर्जनों हुआ है और यहाँ मोदी, यह सुशील कुमार मोदी जी यहाँ पर वित्त मंत्री है और उस वित्त मंत्री के लिए, जिम्मेवारी के लिए एक दिन भी केंद्र सरकार के एजेंसी CBI ने पूछताछ नहीं किया है। लेकिन जिसको कानून से नहीं हटाया जाता है, जनता में पूरा अधिकार है, उसको आंदोलन के माध्यम से हम लोग पदच्युत कर देंगे। 19 से लेकर के 20 तक इन सांप्रदायिक ताकतों को समाप्त कर देंगे।